स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं हायर मैथमेटिक्स पे। अगर स्टूडेंट आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक सीएसआर नेट, आईआईटी जेएम, गेट या फिर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या आईएएस ऑप्शनल के साथ आप मैथमेटिक्स को लेकर चल रहे हैं, तो मेरी यूट्यूब वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि स्टूडेंट जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, और अभी मैंने लेबनीज थ्योरम पे क्वेश्चंस कराए हैं, nth डेरिवेटिव निकालना। अब स्टूडेंट उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे कि मैकलोरेंस थ्योरम क्या होती है और इसकी हेल्प से कैसे हम सीरीज एक्सपांशन करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं यहाँ पे आई टेप पे जाके देख सकते हैं, और जो लेबनीज थ्योरम पे भी मैंने यहाँ पे कंटेंट अपलोड कर रखा है वो भी आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे सो देट की आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैकलोरेंस थ्योरम क्या बोलती है या मैकलोरेंस सीरीज एक्सपेंशन क्या बोलता है। स्टूडेंट यहाँ पे दो टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है मैकलोरेंस, एक होता है टेलर सीरीज। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको मैकलोरेंस सीरीज बताऊंगा उसके बाद टेलर सीरीज बताऊंगा, राइट। तो मैकलोरिन थ्योरम क्या बोलती है, इफ एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स सच दैट इट कैन बी एक्सपांडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, दिस एक्सपांशन बी डिफरेंशिएबल एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देन एफ एक्स को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, आपने 12th क्लास में जब आपने पढ़ाई करी होगी तो वहां पे साइन एक्स की सीरीज एक आपसे पूछा जाता है, कॉस एक्स की सीरीज एक आपसे पूछा जाता है, ई की पावर एक्स की सीरीज, तो आप लोग वहां पे लर्न करते थे। पर यहां पर अगर भाई चांस आप भूल जाएं तो आप इस थ्योरम को अप्लाई करके बहुत इजीली इसकी सीरीज को लर्न कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं यहां पे इसकी सीरीज क्या होती है, एक्स एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, है ना, एक्स फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, इस टाइप से इसकी सीरीज आती है। यहां पर इसकी सीरीज आती है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एक्स फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, इस टाइप से इसकी सीरीज आती है, जैसे e की पावर एक्स की भी सीरीज होती है। लाइक अगर आपसे e की पावर एक्स की सीरीज पूछ ले कि भैया इसकी e की पावर एक्स की सीरीज निकालो, तो क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू e की पावर एक्स, है ना, फिर हमें हम जानते हैं इसकी थ्योरम होती है ना, या इस थ्योरम को इस तरह से भी लिखते हैं, ध्यान दीजिए, वाई ये लिखते हैं वाई जीरो, है ना, प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, ये आता है वाई वन जीरो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल वाई टू जीरो, है ना, तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं x पावर n, n फैक्टोरियल y n जीरो, है ना, इसको ऐसे भी हम लिखते हैं, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर x, है ना, तो हम क्या करेंगे, y एट x इज इक्वल टू जीरो हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 होती है ना, फिर हम निकालेंगे y 1 इसका e की पावर x, स्टूडेंट हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, है ना, देन y 2 निकालेंगे तो e की पावर x ही आता है, तो y2 0 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू नहीं आएगी, है ना, इस टाइप से आप चेक करेंगे तो y3 की वैल्यू भी क्या आएगी, e की पावर x, तो ये आएगा y3 0 की वैल्यू भी 1 आएगी। अब इन सब की वैल्यू 1 उठा के यहाँ रख दीजिए और y की जगह यहाँ पे y की जगह e की पावर x रखिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो, है ना, तो e की पावर x इसकी वैल्यू कितनी आती 1, है ना, यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, इस टाइप से इसकी सीरीज यहाँ पे निकल जाती थी, ये e की पावर x की सीरीज होती है। इसी टाइप से अगर आपको इच्छा है कि सर साइन x की सीरीज निकाल के बताओ, तो साइन x की सीरीज भी हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ले लीजिए आप y इज इक्वल टू साइन x, क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम यहाँ रखेंगे y एट x इज इक्वल टू जीरो, बेटर मैं इसको लिख देता हूँ, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना। नाउ वाई वन क्या आएगा, ये कॉस x, तो क्या करेंगे वाई वन एट x इज इक्वल टू जीरो कितना आता है, 1 आता है, है ना, फिर हम निकालेंगे y2 कितना आएगा, माइनस का साइन x, cos x का डिफरेंशियल माइनस का साइन x होता है, फिर हम निकालेंगे y2 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, साइन 0 0 होता है, फिर हम निकालेंगे y3 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा cos x, है ना, तो यहाँ पे इसकी y3 0 रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1। स्टूडेंट ये सब वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो मैं यहाँ पे इसको वापस समझा देता हूँ आपको, जब हम साइन की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा साइन x, y0 की वैल्यू कितनी आ रही, 0, तो 0 रख दीजिए, यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी आ रही, 1, तो ये आएगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल, है ना, फिर y2 की वैल्यू 0 आ रही है, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही माइनस का x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना, तो इस टाइप से सीरीज आती है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल,
इस टाइप से इसकी यहाँ पे मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस करके इसकी सीरीज बनती। तो इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन का यहाँ पे मैकलोरिन थ्योरम की हेल्प से एक्सपांशन अगर बाई चांस भूल जाओ और एग्जाम में अगर आपको यूज आ रहा है तो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब मैं इस थ्योरम का प्रूफ बताऊंगा और उस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैकलोरिन थ्योरम का प्रूफ देखिए क्या होता है। प्रूफ हम एफ एक्स इज इक्वल एक पॉलिनोमियल ले लेंगे एन डिग्री की, है ना। तो यह आएगा ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब, चलता रहेगा ऐसे, है ना। नाउ अब इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो रख देता हूँ। जहाँ पर एक्स है वहाँ जीरो रख देता हूँ, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए जीरो आ जाएगा, है ना। ये जीरो जीरो, एक्स को जीरो रखने पर ये सब जीरो हो जाएगा, खाली ए जीरो बचेगा, ठीक है। नाउ अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। एफ डैश एक्स, तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए वन ए टू एक्स स्क्वायर, देन सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये ए वन और ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स आ गया आएगा, राइट। और ये आएगा यहाँ पे ए थ्री एक्स स्क्वायर, इस तरह से आएगा। नाउ इसकी जगह भी हम जीरो रख देते हैं, तो यहाँ पे आएगा ये ए वन, है ना, बाकी सब हट जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आएगा टू ए टू प्लस ये आ गया, तो ये आएगा सिक्स ए थ्री एक्स प्लस, चलता रहेगा। देन हम क्या करेंगे, इसको एफ डबल डैश जीरो रख देंगे, जीरो रखने के लिए आएगा ये टू ए टू, है ना। ना इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो देखो यहाँ पे इसकी जो अगली टर्म, चलो मैं लेके देता हूँ, यहाँ पे अगली टर्म मान लीजिए ए फोर एक्स पावर फोर था, तो यहाँ पे आ जाएगा ये फोर ए पावर ए फोर एक्स पावर क्यूब, और यहाँ आएगा ट्वेल्व ए फोर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपके पास चौबीस, सॉरी ये तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, है ना। नाउ इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो कितना आएगा, देखो ये तो आपके पास हो गया डबल डैश जीरो आ गया, देन इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा सिक्स ए थ्री प्लस ये आएगा आपके पास ट्वेंटी फोर ए फोर एक्स, इस तरह से आपके पास चलता रहेगा, है ना। देन इसको ट्रिपल डैश को भी हम एक्स की जगह जीरो रखते हैं, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास आएगा सिक्स ए थ्री, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो ये सब वैल्यू रख दीजिए, है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए जीरो, स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे ए जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, एफ जीरो आ रही है, है ना। यहाँ से ए वन की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए ये आ रही है एफ डैश जीरो आ रही है, है ना। यहाँ से हमारे पास ए टू की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है एफ डबल डैश जीरो अपॉन टू, और इसको हम टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, है ना। इस टाइप से आप देखिए यहाँ पे ए थ्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, एफ ट्रिपल डैश जीरो अपॉन सिक्स, और सिक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, थ्री फैक्टोरियल। इस टाइप से सिमिलरली आपके पास वैल्यू आती जाएगी, ये ए वन ए टू ए थ्री ए जीरो उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास एफ एक्स जो आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, ए जीरो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ जीरो है, फिर ए वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एफ डैश जीरो, तो ये आएगा एक्स एफ डैश जीरो प्लस अपन मैं वन फैक्टर लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि वन की वैल्यू वन ही होती है। ए टू, ए टू की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश जीरो हो जाएगा, है ना। ए टू की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे एफ डबल डैश जीरो अपॉन टू, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल आएगा। इसी टाइप से हम बात करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो, इस तरह से यहाँ पे हमारा मैकलोरिन थ्योरम का प्रूफ होता है, यही हमारे को वहाँ पे निकलता है। तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, एक बार आप समझ लीजिए इसको। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, एक्सपांड वाई एक्सपांड लॉग वन प्लस एक्स इन पावर ऑफ एक्स बाय मैकलोरिन थ्योरम, ऐसे एक और क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स को हमें मैकलोरिन थ्योरम में एक्सपांड करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे वाई इज इक्वल टू हम ले लेंगे लॉग वन प्लस एक्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे वाई जीरो, मतलब वाई जीरो रखेंगे, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर, लॉग वन जीरो होता है, ठीक है। नाउ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y1, तो यह कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, फिर हम यहाँ पे y1 जीरो रखेंगे x की जगह, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, देन y2 निकालेंगे तो स्टूडेंट 1 अपॉन x का होता है माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, है ना। फिर इस y2 की जगह हम जीरो रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू माइनस 1 आ रही है, फिर हम y3 निकालेंगे, तो y3 निकालेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा और 2 अपॉन 1 प्लस x क्यूब आएगा, y3 जीरो रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इस तरह से हम निकालते जाएंगे इसकी वैल्यू, है ना, आती जाएगी। ऐसे हम चाहेंगे तो यहाँ पे y4 निकाल लेंगे तो ये आएगा माइनस का 6 अपॉन 1 प्लस x पावर 4, तो ये y4 जीरो इज इक्वल टू आपके पास आएगा माइनस का 6। तो स्टूडेंट इन जनरल जब हम इसको एक्सपांड करेंगे, है ना, तो y इज इक्वल टू क्या आता हमारे पास, y0 x अपॉन 1 फैक्टोरियल y डैश 0 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y डबल डैश 0, है ना, एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश जीरो, इस तरह से आता जाएगा। तो ये वाई इक्वल टू हम रख देंगे यहाँ पे लॉग वन प्लस एक्स, और वाई जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, जीरो, तो जीरो रहने दो,
वाई डे जीरो वन आ रहा था, ये आएगा एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल। वाई डबल डे जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, ये वाई डबल डे या वाई टू ले लिया, एक काम करो डे हटा के वन ले लो, ये टू ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये थ्री ले लो क्योंकि नोटेशन दो कन्फ्यूज करेंगे। तो वाई टू जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, माइनस वन, तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पे वाई थ्री, वाई थ्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, टू आ रही, तो ये आएगा टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। और अगली टर्म अगर हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा एक्स फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल वाई फोर, है ना, जीरो सॉरी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस सिक्स आ रही है, तो सिक्स एक्स फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, इस तरीके से यहाँ पे इसको हम एक्सपांड करते हैं। ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए, आप वाई इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस एक्स, तो वही सेम क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, वाई जीरो रख दीजिए, इसको जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो वन होता है, ई की पावर जीरो तो वन आ जाएगा ये, तो है ना। नाउ वाई वन निकालेंगे तो यू इंटू वी से डिफरेंशिएट होगा, तो ई की पावर एक्स कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता तो कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। नाउ इसके अंदर वापस क्या रखिए, जीरो रखिए एक्स की जगह, तो जीरो रखेंगे एक्स की जगह तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है ना। नाउ क्या करेंगे, वाई टू निकालिए, है ना। तो वाई टू निकालेंगे, वैसे आप चाहो तो इसको एक काम करो, वाई वन को हम वापस एक बार लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स साइन एक्स, और यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वाई के बराबर होगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी आपकी। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई टू आएगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे यू टू वी से, तो ई की पावर एक्स एक्चुअली ये माइनस आ गया, तो माइनस रहने दीजिए आगे, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, है ना, प्लस फिर इसका ई की पावर एक्स का आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा, देन इस इसका हो जाएगा वाई वन। नाउ क्या करेंगे अब इसको, वाई टू एट जीरो रखेंगे, जब जीरो रखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये आएगा माइनस वन, ये तो जीरो हो जाएगा, और वाई वन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, वन, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से नेक्स्ट हम वाई थ्री रखेंगे, तो देखो आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो ये माइनस का वाई आ रहा है ना, तो माइनस का वाई यहाँ पे माइनस का वाई ले लीजिए, है ना, और यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ रही ई की पावर माइनस एक्स यहाँ पे साइन एक्स, है ना, तो ये ई की पावर एक्स साइन एक्स एज इट इज, ये वाई वन आ जाएगा। नाउ इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, तो ये आएगा वाई टू, है ना, ये आएगा माइनस का वाई वन, और इसका करेंगे तो माइनस का ई की पावर एक्स साइन का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स, और ये हो जाएगा हमारा वाई टू, देन सॉरी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई थ्री आएगा। नाउ वाई थ्री जीरो रखिए, तो वाई यहाँ पे वाई वन की वैल्यू जीरो रखने पर कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू वन आएगी तो माइनस वन आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, ये जीरो हो जाएगा, और वाई टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, जीरो, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस टू आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते रहेंगे। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, सीरीज के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास ये सीरीज होती है, क्या होती है, वाई इज इक्वल टू वाई जीरो, है ना। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल वाई वन जीरो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल वाई टू जीरो, एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल वाई थ्री जीरो, इस टाइप से हम वैल्यू पुट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स कॉस एक्स वाई जीरो, वाई जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन है, तो वन आ जाएगा। वाई वन की वैल्यू वन है, तो ये आएगा एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल वाई टू जीरो, जीरो है। वाई थ्री की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस टू, तो ये आएगा माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल है, है ना। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगी, सीरीज मिलेगी। सो नेक्स्ट देखिए, अप्लाई द मैक्लॉरिन थ्योरम प्रूव दैट दिस, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ सॉल्यूशन में, y इज इक्वल टू log sec x दे रखा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले y जीरो रखेंगे, तो हम जानते हैं sec जीरो मतलब cos जीरो वन होता है, sec जीरो भी बने होगा, log वन, और log वन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। नाउ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y वन, तो log sec x का होता है tan x, और स्टूडेंट यहाँ पे y वन जीरो रखेंगे तो स्टूडेंट ये भी जीरो आएगा, tan जीरो जीरो होता है। देन y2 निकालेंगे, 10 का होता है sec स्क्वायर x, देन हम यहाँ रखेंगे y2 0, और sec 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। नाउ y3 निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा 2 sec x, और sec x का होता है sec x tan x, है ना। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, y3 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, बिकॉज tan 0 0 होता है। नाउ y3 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 sec स्क्वायर x tan x हो जाएगा। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो ये आएगा 2 sec स्क्वायर x को छोड़ा, इसका करेंगे तो ये 10 का करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, 2 tan x को छोड़ेंगे, इस sec स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा 2 sec x, और sec x का आएगा sec x tan x, है ना। देन यहाँ क्या करेंगे, y4
एट एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे या वाई फोर जीरो ऐसा रख दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जीरो रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू वन आएगी, ये तो टेन जीरो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, टू के बराबर आएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई फोर इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास टू सेक फार फोर एक्स प्लस टू, और ये आएगा आपके पास सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, और टू टू यहाँ पे हो जाएगा फोर, है ना, ये टू टू जो फोर हो जाएगा, तो ये आएगा फोर टेन स्क्वायर एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम क्या करेंगे, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा फोर आगे आएगा, तो ये आएगा एट सेक क्यूब एक्स, और सेक क्या होगा वापस सेक एक्स टेन एक्स प्लस, इसका करेंगे यहाँ पे, तो इस ये टू आगे आएगा, तो ये टू आगे आएगा, तो ये आएगा एट टेन एक्स, और टेन का होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा सेक फोर एक्स हो जाएगा, देन ये आएगा टू टेन स्क्वायर एक्स को छोड़ा, इसका करेंगे तो ये आएगा टू सेक एक्स, और ये आएगा सेक एक्स टेन एक्स। पर स्टूडेंट यहाँ सब जगह टेन टेन आ रहा है, तो वाई फाइव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, है ना, सब जीरो आ जाएगा, तो वाई फाइव की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जीरो। इसी टाइप से हम वाई सिक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं सीधा रख रहा हूँ स्टूडेंट, ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन फोर एक्स आएगा प्लस एटी एट सेक फोर एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस सिक्सटीन सेक सिक्स एक्स आएगा, है ना। और जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वाई सिक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी, है ना। ये यहाँ तक काफ़ी है। देन आप क्या करेंगे, हम जानते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो थ्योरम होती है वो क्या होती है, वाई इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल वाई वन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल वाई टू जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल वाई थ्री जीरो प्लस एक्स फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल वाई फोर जीरो प्लस एक्स फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल वाई फाइव जीरो। इस टाइप से आगे हमारे पास टर्म आती जाएगी। नाउ सबकी वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले वाई जीरो, वाई जीरो की वैल्यू जीरो है, जीरो हो जाएगी। वाई वन की वैल्यू भी जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। वाई टू जीरो की वैल्यू वन है, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, देन वाई थ्री जीरो, वाई थ्री जीरो की वैल्यू जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। नाउ वाई फोर जीरो, वाई फोर जीरो की वैल्यू हमारे पास टू है, तो स्टूडेंट ये आएगा टू इंटू एक्स पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल वाई फाइव जीरो जीरो हो रहा है। देन वाई सिक्स, वाई सिक्स की वैल्यू आएगी सिक्सटीन एक्स पावर सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल, है ना, इस टाइप से टर्म आएगी हमारे पास। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो स्टूडेंट वाई की वैल्यू हमारे पास कितना है, वाई कितना है हमारे पास, लॉग सेक एक्स है, तो ये आएगा लॉग सेक एक्स। नाउ ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल टू होता है, देन फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल वैल्यू चौबीस होती है, चौबीस से दो कैंसिल होगा, तो ये आएगा एक्स पावर फोर अपॉन ट्वेल्व, और सिक्स फैक्टोरियल है, स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये आएगा एक्स पावर सिक्स अपॉन नीचे आ जाएगा फोर्टी फाइव, बाकी टर्म हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो मैक्लॉरिन थ्योरम वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मैक्लॉरिन थ्योरम पे मैंने अभी जो आपको कंसेप्ट समझाया प्लस एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया, पर यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने नेक्स्ट पार्ट में लेके आने वाला हूँ, तो वीडियो जरूर देखिएगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो लास्ट स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं, मेरे जो इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं मैंने प्लेलिस्ट बना रखी वो आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्टूडेंट मुझे लगता है मेरा कंटेंट आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा, अगर आपको हेल्प कर रहा है तो यहाँ पे मेरे कमेंट में आप जरूर मुझे ये बताते रहिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दें, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।